स्वागत करता हूँ आपका आज की वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 फाइव ईयर प्लान यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, जो 1950 से 1990 तक था। तो आइए पहले समझते हैं कि फाइव ईयर प्लान या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है। कि टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया वी टेक सम स्टेप्स एंड प्लान्स विच वी कॉल्ड फाइव ईयर प्लानिंग्स और इकोनॉमिक प्लानिंग्स। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमिक कंडीशन जो इंडिया की थी उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ स्टेप्स लिए, कुछ ऐसे कदम उठाए या फिर कुछ ऐसे प्लान्स बनाए जिसको हम फाइव ईयर प्लान्स या फिर इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। बेसिकली फाइव ईयर प्लान्स के नाम से ही उनको जाना जाता है। आम भाषा में अगर बात करें फाइव ईयर प्लान्स का मतलब क्या होता है, पंचवर्षीय योजना, मतलब 5 साल की जो योजना सरकार बनाती है। तो प्लानिंग कमीशन जो है वो 5 साल की योजना बनाती है इकोनॉमिक इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग होता क्या है, रेफर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन प्रॉपर मैनर, मतलब रिसोर्सेज का इस तरीके से यूटिलाइज करना, उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना, एक इस ढंग से इस्तेमाल करना कि उनका सही तरीके से इस्तेमाल हो, साथ के साथ उनका इस्तेमाल ज़्यादा तरीके से हो सके और जिस तरीके से उनका इस्तेमाल करें उससे उनकी प्रोडक्टिविटी हो सके, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। अब प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है वो कौन करता है, उसके लिए कमेटी बनाई गई, गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई जिस कमेटी को हम बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। क्या बोलते हैं, प्लानिंग कमीशन। कब बनाई गई, 1950। MCQs में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि आप जो फर्स्ट टर्म है वो MCQs में होने वाला है, तो उसके लिए ये बात याद होनी चाहिए कि 1950 यानी कि 1950 में प्लानिंग कमीशन जो था वो बनाया गया था, उसको सेटअप किया गया था। चेयरमैनशिप जो थी वो थी पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि प्राइम मिनिस्टर की। अब सवाल ये आता है कि क्या उस टाइम भी सिर्फ जो हमारा प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर उन्हीं की चेयरमैनशिप थी, अब क्या प्राइम मिनिस्टर नहीं होते? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब भी प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होते हैं भले ही वो प्लानिंग कमीशन हो या नीति आयोग हो। अब बात आती है कि प्लानिंग कमीशन जो होता, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया कब, जनवरी 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके लाया गया था एक, जिसका नाम है नीति आयोग। नीति आयोग के नाम से उसको जाना जाता है। नीति आयोग के पूर्व में पूछ सकते हैं कि नीति आयोग के बारे में तुमने पढ़ तो लिया कि प्लानिंग कमीशन को हटाया और नीति आयोग को लेके आ गए, और उसके फुल फॉर्म क्या है, चलो फुल फॉर्म बता दो। तो नीति आयोग को बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। तो आप समझ सकते हो ये हो गई नीति आयोग जो रिप्लेस करके आया। अब बात करते हैं पहला प्लान क्या था। अब इसमें एक सवाल आता है कि चेयरमैनशिप तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी, ठीक है, चेयरमैनशिप। जो कंप्लीट प्लानिंग कमीशन जो बना था वो प्लानिंग कमीशन बनाया गया था पीसी प्रशांत चंद्र महालोविस ने प्लानिंग कमीशन को बनाया था, उन्होंने उसको, उनको आर्किटेक्ट प्लानिंग कमीशन बोला जाता है प्रशांत चंद्र महालोविस को। अब बात करते हैं फर्स्ट प्लान की। फर्स्ट प्लान आया था 1951 में, याद रखने वाली बात है क्योंकि पहला प्लान था तो हमको याद रखना पड़ेगा। 1951 में पहला प्लान आया जो चला था हमारा 1956 तक, 1951 से 1956 5 साल हो गए। 5 साल का प्लान होता है, पंचवर्षीय योजना से बोला जाता है। फोकस किया गया था एग्रीकल्चर सेक्टर पर, मतलब जब हमने पढ़ा, जैसे कि हमने पढ़ा कि 72% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी हमारी एग्रीकल्चर में एंगेज थी, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि पहले तो प्लान होना चाहिए वो एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस होना चाहिए, उसको एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है, उन्होंने दे दिया। उन्होंने गोल रखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की इंप्रूवमेंट 2.1 होनी चाहिए, टारगेट था उनका कि इतना अचीव होना चाहिए, लेकिन उनके प्लान ने इतना इम्प्रूवमेंट दिखाया कि अचीव उनको हो गया 3.6%। मतलब टारगेट तो रखा 2.1 का लेकिन अचीव हो गया 3.6 का। तो जैसा अभी हमने फर्स्ट फाइव प्लान के बारे में पढ़ा था, जो फर्स्ट फाइव प्लान जो था 1951 से लेके 1956 तक चला था, एग्रीकल्चर सेक्टर पर फोकस्ड करा था, टारगेट हमारा गोल, उसमें जो गोल था, टारगेट था वो 2.1 का था, अचीव हमें 3.6 का, मतलब जो प्लान था वो बहुत अच्छा रहा था। अब हम बात करते हैं सेकंड फाइव प्लान की। जो सेकंड, बेसिकली हमें सारे फाइव प्लान्स याद करने की ज़रूरत नहीं है,
हमको सिर्फ पहले तीन फायर प्लान याद रख लेंगे तो वही ठीक होगा, क्योंकि उससे पहले तीन फायर प्लान के बाद आया था, तीन एनुअल प्लान आए थे जो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए पहले तीन ईयर प्लान अगर हम याद कर लेंगे तीन प्लान तो वही काफ़ी होगा। तो हमारा सेकेंड फाइव ईयर प्लान जो था वो आया था 1956 से 1961 में। इसका जो फोकस था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, मतलब जो इंडस्ट्रियल गुड बन रहा है, जो इंडस्ट्रीज के अंदर फिनिश्ड गुड जिसको बोलते हैं, इसको फिनिश्ड गुड बोलते हैं, मतलब रॉ मटेरियल से ये मार्कर इंडस्ट्रीज के अंदर बना है तो ये फिनिश्ड गुड है। तो ये ऐसे गुड्स के ऊपर, मतलब इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर उन्होंने फोकस करा था कि इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो। उनका टारगेट था कि 4.5 अचीव हो, परसेंटेज 4.5 का था, लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट सिर्फ और सिर्फ 4.1 ही उनका अचीव हुआ। कितना? 4.1% उनका टारगेट अचीव हुआ, जिसका मतलब था कि टारगेट जितना उन्होंने रखा था उतना कंपेयर किया जाए इसको से, अगर इसको फर्स्ट प्लान से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे जो अचीव हुआ था वो था 3.6 का, लेकिन हमने टारगेट कितना रखा सेकंड प्लान में 4.5 का, लेकिन अचीव हमें 4.1 हो गया। मतलब कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है कि 3.6 से 4.1 हो गया, तो मतलब हमारा टारगेट कहीं ना कहीं अचीव हुआ है। अब बात करते हैं थर्ड फाइव ईयर प्लान की। थर्ड फाइव ईयर प्लान जो था वो 1961 से 1966 तक चला था। इसका जो फोकस था वो सेल्फ सफिशियंसी के ऊपर, मतलब फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन जो है वो सेल्फ सफिशियंस हो, मतलब हम बाहर से इंपोर्ट ना करें, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट ना करके खुद सेल्फ सफिशियंस, मतलब खुद उसको अपनी कंट्रीज के अंदर डेवलप करें। अब बात करते हैं थ्री एनुअल प्लान्स की। अब थ्री एनुअल प्लान्स क्यों आए, फाइव ईयर प्लान क्यों नहीं आया चौथा, किस लिए नहीं आया? क्योंकि 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, और हमारी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की उसमें चल रही थी, लड़ाई में चल रही थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि फाइव ईयर प्लान्स को रहने देते हैं, एनुअल प्लान्स निकालते हैं। जब उन्होंने पहला निकाला, फिर उन्होंने दूसरा निकाला, फिर उन्होंने थर्ड निकाला। तो यहाँ याद रखिए एनुअल प्लान्स क्यों निकाले, थ्री एनुअल प्लान्स उन्होंने इसलिए निकाले क्योंकि 1965 में हमारी पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से उन्होंने तीन एनुअल प्लान्स निकाले। जो पहला एनुअल प्लान आया था वो था 1967 का, देन 1968, देन 1969, ये तीन एनुअल प्लान्स हैं। फिर उसके बाद 1970 में फोर्थ प्लान आ गया था, वो 1970 से 75। बात करें कि हमने टोटल प्लान्स कितने कवर करे हैं, तो हमारे टोटल जो प्लान है वो है 12। हमने 12 प्लान्स कंप्लीट करे, क्यों? क्योंकि बात हम कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन की। प्लानिंग कमीशन ने कितने प्लान्स कवर करे हैं? 12 प्लान्स कवर करे हैं, जिसका जो लास्ट टाइम पीरियड था वो था 2012 to 2017। ये याद रखने वाली है। ये लास्ट प्लान क्यों बोला जाता है? क्योंकि 2015 में नीति आयोग आ गया था, तो नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा था, तो प्लानिंग कमीशन का 12th प्लान कंटिन्यू रहने देते हैं, उसको खत्म होने के बाद नीति आयोग अपना प्लान बनाएगा। तो अब नीति आयोग प्लान बनाता है एक तरह से, और वो एनुअल प्लान्स ही निकालते हैं। पंचवर्ष से जो योजना होती है वो खत्म हो चुकी है, वो एनुअल प्लान्स निकालते हैं। इसको पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी मतलब कितनी तरह की इकोनॉमीज होती है। इकोनॉमी बेसिकली दो तरह की होती है, लेकिन हमें क्या था, उन दो तरह की हम किसी एक को नहीं पिक कर सकते थे, तो हमने उन दोनों को मिलाकर एक तीसरी इकोनॉमी बना दी, जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है, इन दोनों इकोनॉमीज का मिक्स्ड पार्ट होता है, मतलब दोनों इकोनॉमिक्स इसके अंदर रोल करते हैं। पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है उसको पढ़ते हैं। ये इकोनॉमी जो है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा ओन की जाती है, मतलब प्राइवेट रोल होता है इसमें। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब डिमांड और सप्लाई का जो पूरा काम होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में होता है, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। जब प्राइवेट के हाथ में होएगा तो साफ साफ है कि उसका मतलब उसका मेन मोटिव होएगा प्रॉफिट अर्न करना। और ज़्यादातर ये जो है यूएसए वगैरह की कंट्रीज में ये एप्लीकेबल है, वहाँ पे यूएसए ने इसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना रखा है। तो मतलब मेन मोटिव इंडिया का होता है कि प्रॉफिट अर्न करना, सोशल वेलफेयर वगैरह कुछ नहीं करना, और जो भी कंट्रीज है
मतलब मेन मोटिव रहेगा वो वेलफेयर रहेगा किसका, सोशल वेलफेयर, मतलब गरीबों का भला करना उनका मेन मोटिव होगा। महंगी चीज़ जो प्राइवेट कंपनी महंगी चीज़ बना रही है वो उसको वो सस्ते पे प्रोवाइड करना वो उनका वेलफेयर होता है, मतलब तो उसका मेन मोटिव मतलब ये होता है। साथ में अब वो USSR जैसी कंट्री जिसको रसिया के नाम से जाना जाता है वहाँ पे ये इकनॉमी क्या होती है वो ऑन की जाती है, मतलब उसमें गवर्नमेंट का और प्राइवेट का दोनों का साथ का मिली जुली भगत होती है, मतलब जॉइंट वेंचर जिसको बोलते हैं कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का उसमें पार्ट होएगा, वो दोनों कंट्री वगैरह पब्लिक कंपनीज भी है साथ में प्राइवेट कंपनीज भी है, पर प्राइवेट कंपनीज हेल्प करते हैं कि प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े और GDP में इंक्रीज हो, और पब्लिक सेक्टर जो होता है वो सोशल वेलफेयर पर फोकस करता है। मतलब गवर्नमेंट का ये था कि प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बोला कि तुम GDP को इंक्रीज करो, बढ़ाओ GDP को, इकनॉमी को बूस्टअप करो, तो पिछड़ी हुई जाति है, पिछड़ी हुई जो लोग हैं, जो पुअर सेक्टर है जिनका वेलफेयर करना ज़रूरी है उनके लिए हम हैं, हम गवर्नमेंट हैं, हम पब्लिक कंपनीज को लाएंगे, पब्लिक कंपनीज जो है वेलफेयर में अपना योगदान देगी और उनको बूस्टअप करेगी, तो तुम बाकियों को बूस्टअप करो और हम बिछड़ी हुई जो रह गई है, दबी हुई जो रह गई हैं लोग रह गए हैं उनको बूस्टअप करेंगे। तो ये यहाँ तक सूर्य ने अपना लिया, उनका मोटिव ये था जैसे कि मैंने आपको बोला कि उन्होंने बोला कि प्राइवेट सेक्टर जो है प्रॉफिट करेगा और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो सोशल वेलफेयर करेगा, तो वही इनका दोनों का बहुत मोटिव है कि प्राइवेट प्रॉफिट भी हो और सोशल वेलफेयर भी हो। साथ में ये चाइना और इंडिया, चाइना जैसी कंट्री और इंडिया जैसी कंट्री में ये होता है, मतलब चाइना और इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी अपना योगदान दे रहा है और पब्लिक सेक्टर भी अपना योगदान दे रहा है। अब गोल्स ऑफ फाइबर प्लान्स के बारे में बात करते हैं, जो फाइबर प्लान्स थे उनके क्या क्या गोल्स थे, क्यों हमने फाइबर प्लान्स को अपनाया, किस वजह से हमें फाइबर प्लान्स अपनाने पड़े उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है हमारा GDP ग्रोथ, मतलब GDP ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि जब GDP मतलब हमारी टोटल प्रोडक्शन जो कंट्री के अंदर हो रही है एनुअली उसको बोलते हैं GDP ग्रोथ, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तभी बोलते हैं जब पूरी GDP के अंदर ग्रोथ हो रही हो। तो GDP ग्रोथ हम किस तरह से मेजर करते हैं, हम दो तरह से मेजर करते हैं, जब रिसोर्स बेस्ड कंट्री में इंक्रीज हो रहा है, मतलब कम रिसोर्स के अंदर इंक्रीज हो रहा हो, कम रिसोर्स के अंदर ज़्यादा हम प्रोडक्टिविटी कर रहे हो, प्रोडक्शन हो पा रहा हो, तो रिसोर्स बेस्ड इंक्रीज तभी बोला जाता है। फिर बोला जाता है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज हो, मतलब पर यूनिट आउटपुट, मतलब एक यूनिट में कितना आउटपुट हो रहा है उसको प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, तो उसमें अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमारी GDP इंक्रीज हो रहा है। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन मतलब इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और HYV सीड्स का इस्तेमाल करके प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सके, इंक्रीज कर सके, उसको मॉडर्नाइजेशन बोलते हैं। फिर सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंसी, ये दो वर्ड है, सेल्फ सफिशियंसी का मतलब, सफिशियंसी का मतलब होता है कि जो भी गुड्स हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं किसी और की मदद से अगर हमें कुछ मिल रहा है तो हम उससे ना लेकर हम खुद उसको हासिल करने की कोशिश करें, मतलब अगर हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को तो उन गुड्स को बाहर से इंपोर्ट ना करके अपनी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस करें तो वो सेल्फ सफिशियंसी होता है, मतलब सेल्फ खुद बना के उसको सेल्फ कंज्यूम करना सेल्फ सफिशियंसी होता है। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, आत्मनिर्भरता, हिंदी में बोलते हैं उसको आत्मनिर्भर होना, मतलब किसी और पे डिपेंड ना होना, जैसे कि 1965 में हमारी लड़ाई हुई थी पाकिस्तान से, तो हमने फूड ग्रेन्स होते हैं हम अमेरिका से इंपोर्ट करते थे, तो अमेरिका ने हमसे क्या कहा कि तुम्हें पाकिस्तान के साथ अपनी लड़ाई रोकनी पड़ेगी तब मैं तुम्हें प्रोडक्शन जो हमारा एक्सपोर्ट है वो फूड ग्रेन्स का एक्सपोर्ट करूँगा। तो इंडिया ने तभी सोचा कि हमें सेल्फ रिलायंस और सेल्फ सफिशियंस होना पड़ेगा क्योंकि हम किसी और पर निर्भर नहीं रह सकते, ऐसे तो वो करके हमारी गवर्नमेंट को ही अपने अधीन कर लेंगे, अपने अंडर कर लेंगे। तो इसलिए ये गोल भी, ये तीनों गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा पूछने आने वाले गोल्स है। ठीक है, तो आज ही वीडियो को इतना ही रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।